नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है ईबीएस क्लास में। बच्चों, मैं सिंधु आज आपके समक्ष एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए और इसका आनंद उठाइए। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आनंद आया? बच्चों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? कौन सा जानवर देखा? हाथी देखा ना? हाँ, ये हाथी है। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के ईवीएस बुक का थर्ड लेसन नंदू हाथी पढ़ेंगे। बच्चों, ये है नंदू, एक छोटा सा प्यारा सा हाथी का बच्चा। बच्चों, एक दिन जो है नंदू जो है सो रहा था। सोकर जब वो उठा और उसने आंखें खोली तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहां पर है। उसे ऐसा लगा कि वो एक स्लेटी भूरे बड़े से पेड़ों वाले जंगलों में है। फिर उसने दोबारा फिर से इधर उधर देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने देखा कि अरे, ये तो मेरी अम्मा है। अम्मा मतलब आप लोग जानते हैं ना, माँ। तो उसके बाद उसने देखा जिसे वो भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वो और कोई नहीं, उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे। बच्चों, नंदू जो है एक बड़े से परिवार में रहता था। उसके साथ में और भी बहुत सारे हाथनिया और उनके बच्चे रहते थे। सूरज आसमान में चमक रहा है और गर्मी भी बहुत तेज होने लगी है। तभी जो है नानी माँ जोर से चिंघाड़े। अब नानी माँ क्या है? नानी माँ आप लोग जानते हैं, हमारी मम्मा की मम्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? नानी माँ। यानी कि मम्मी के मम्मी को हम लोग नानी माँ कहते हैं। तो नंदू का भी एक नानी माँ थी जो इस झुंड की जो है सबसे बड़ी हथनी है। और उनका कहना जो है सभी लोग मानते हैं। हमारे घर में भी हमारे घर का जो बुजुर्ग होता है वो जो भी बात बोलते हैं हम सबको मानना पड़ता है ना। तो उसी तरह नंदू की जो है नानी माँ उस झुंड की सबसे बड़ी हथनी थी। नंदू की नानी माँ है जोर से चिंघाड़ी। चिंघाड़ी मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ, देखो बहुत सारे जानवर जो है अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। जैसे बिल्ली कैसी आवाज निकालती है? कुत्ता कैसे आवाज निकालती है? उसी तरह जो है हाथी भी जो है आवाज निकालती, जिसे हम चिंघाड़ना कहते हैं। तो नानी माँ जैसी चिंघाड़ा, इसका मतलब क्या है? आप सब यहाँ से चलो। तो नानी माँ आगे आगे चलना शुरू करा और उसके पीछे पीछे बाकी सभी हथनिया और उसके बच्चे भी चलना शुरू कर दिए। तो सभी एक के पीछे एक चल रहे थे और वो लोग कहाँ पर पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे सब यहाँ वहां सब बिखर गए। क्यों बिखरे? क्योंकि उन सबको जो है अपनी अपनी पसंद की पत्तियां और झाड़ियां खाना था। बच्चों, आपको भी खाना पसंद है ना? तो जब आपको कुछ अच्छा खाने का दिल करता है आप मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी आज मुझे ये बना के दो, तो मम्मी आपको फट से बना के दे देती। तो उसी तरह जो है सभी हाथी और हाथनियां और बच्चे जो है अलग अलग जगहों में बिखर गए और अपनी मन पसंद पत्तियां और झाड़ियां खाने लगे। जब सबका पेट भर गया और उसके बाद उन लोग कहां की ओर चल दिए? नदी की तरफ चल दिए। सभी जो है नदी की तरफ चल दिए और उसमें से जो हथनिया थी वो सब कुछ जो है नदी के किनारे में लेट गए और कुछ
पानी में जाके लेट गए। वो क्यों ऐसा करें? क्योंकि उन्हें जो है इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो बच्चे थे वो सब क्या करें? पानी में खेलने लगे। बच्चों आपको पानी में खेलना अच्छा लगता है ना? हाँ, सबको पानी में खेलना अच्छा लगता है। तो नंदो भी जो है पानी में खेलने लगा। बच्चों हाथी की तरह जो है बहुत सारे जानवर समूह में रहते हैं, तो जानवरों के ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं? झुंड कहते हैं। ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? झुंड। तो अब आप इस पिक्चर में देखिए कि कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। ये कौन सा जानवर है बच्चों, आप बता सकते हैं? ये है भैंस। भैंस भी जो है झुंड में रहते हैं। और ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये है हिरण। हिरण भी जो है झुंड में रहते हैं। इसके बाद ये देखिए बच्चों, ये कौन सा जानवर है बता सकते हैं? हाँ, ये है हाथी। हाथी भी जो है झुंड में ही रहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये है भेड़। आप जानते हैं भेड़? भेड़ से हमें क्या मिलती है? भेड़ से हमें ऊन मिलती है। तो ये भेड़ भी जो है झुंड में रहती है। अब बच्चों आप बताइए, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अभी हमने पूरा पिक्चर देखे ना आप लोगों ने, तो उसका उत्तर होगा भेड़, हिरण, जेब्रा, जंगली भैंसें, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि सभी जानवर जो है झुंड में रहते हैं। ये देखिए बच्चों, अभी हमने जितने भी पिक्चर देखे, भैंस, हिरण, जेब्रा, हाथी, भेड़, ये सभी झुंड में ही रहते हैं। बच्चों अभी मैं आप लोगों को हाथी के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगी। बच्चों क्या आपको पता है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। दूसरी रोचक बात है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और तीसरी रोचक बात क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। चौथी रोचक बात क्या है, हाथी के कान पंखे की तरह होती है। उन्हें जब गर्मी लगती है तो वे अपने कान को हिलाकर ऐसे ऐसे हवा करते हैं। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? पंखा चला देते हैं। नहीं होने से क्या करते हैं? एक पेपर उठाते हैं और इस तरह हवा करते हैं। तो हाथी जो है अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ जानवरों के हमें नाम बताना है जो हमारे सवारी में काम आते हैं। सवारी मतलब आप लोग जानते हैं ना, जिसके ऊपर बैठकर हम सवारी करते हैं। तो उसमें कौन कौन से जानवर होएगा? घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है। क्या आपने इनमें से किसी भी जानवर के ऊपर बैठा है? बैठे होगा ना, शायद हाथी के ऊपर बैठा होगा, शायद घोड़े के ऊपर बैठा होगा, शायद ऊंट के ऊपर भी बैठा होगा। तो ये सभी जानवर जो है हमारे सवारी के काम आता है। तो बच्चों अभी आपको अपने कॉपी में लिखना है कि ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा जानवर है? अभी हमने पिक्चर देखा ना, था घोड़ा, हाथी, ऊंट। तो ये सभी जानवर जो है हमारे सवारी के काम आता है। बच्चों ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आप बता सकते हैं? ये ऐसे जानवर है जो हमारे सामान ढोने के काम आते हैं। समझ में आया आपको बच्चों? जो भोजन होते हैं। तो उसमें कौन कौन से जानवर है देखिए, ये है भैंस,
ये है घोड़ा और ये है हाथी। इसके अलावा गधा भी बोझा ढोते हैं, आप जानते हैं ना, तो ये सब बोझा ढोने के काम में आते हैं। अब आपको अपने नोटबुक में ये लिखना होगा कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो कौन कौन सा जानवर है? गधा, बैल, घोड़ा, हाथी। तो ये सभी जानवर जो है भोजा ढोने के काम आते हैं। बच्चों, जब नंदू जंगल से जब नदी के किनारे पहुंचा तो क्या हुआ? नदी में जो है हाथी के छोटे छोटे बच्चे सभी पानी में खेलने लगा। तो नंदू ने देखा उसके जितने भी साथी है वो एक दूसरे के पूंछ को खींच रहे हैं। नंदू ने सोचा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अगर मैं इनके साथ गया और ये मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा क्या होगा। तो वो डर गया और अपनी माँ के पीछे चला गया। माँ ने देखा कि नंदू मेरे पास आया है, उसकी माँ ने उसे क्या करा, हस्ते से धकेल दिया। कहाँ पर धकेला? पानी की तरफ। और नंदू जो है पानी में चला गया। उसे पानी में खेलना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता था और वो पानी में खेलने लगा। वो खेलते खेलते शाम हो गए। फिर से जो है उसकी नानी माँ निकल गई वहां से। कहाँ की तरफ निकल गई? जंगल की तरफ चल दिए और उनके पीछे पीछे सभी लोग चल दिए। और उसके बाद नंदू जो है इतना थक चुका था कि वो रात को दूध पीते पीते ही अपनी माँ के पैरों के बीच में ही सो गया। अब बच्चों देखो, हाथी जो समूह में रहते हैं, तो आप भी घर में जो है समूह में रहते होंगे। क्या आप भी समूह में रहते हो? समूह मतलब आप एक बड़े से परिवार में रहना, जिसमें जो है दादा होगा, दादी होगा, चाचा होगा, चाची होगी, बुआ होगी, इन सब के साथ आप रहते हो। क्या तुम्हें जो है समूह में रहना कैसा लगता है? और तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो, कुछ लोगों को बड़े से परिवार में रहना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को जो है छोटे से परिवार में रहना अच्छा लगता है। तो दोनों के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, अगर हम समूह में रहते हैं तो कुछ फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है? साथ में रहने से हमें सुरक्षा मिलती है। क्यों? अगर घर में मान लो छोटे से परिवार में रहते हैं और मम्मी पापा दोनों ही कहीं काम में चले गए तो बच्चा घर में अकेला रहता है, उसे सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन अगर समूह में रहेंगे तो घर में कोई ना कोई रहेगा, या दादी रहेगा, दादा रहेगा, चाची रहेगा, कोई ना कोई रहेगा, इससे जो है हमें सुरक्षा मिलती है। दूसरी कौन सा फायदा है? साथ में रहने से हमें शक्ति मिलती है, हम हर काम को निडर होकर कर सकते हैं। और तीसरा क्या फायदा है? हम सबके साथ में जो है बहुत मजे कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम बहुत सारी मस्तियां भी कर सकते हैं। और चौथा फायदा क्या है? हम साथ रहकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कुछ ड्राइंग करना है और आप नहीं सकते हो, आप चाचा से कह दिए, चाचा हमें इसे बनाने में थोड़ी सी मदद कर दीजिए, या फिर आपके छोटे छोटे भाई बहन रहेंगे, बड़े भैया रहेंगे, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। और एक फायदा भी है बच्चों, हमें जो है समूह में रहने से कम काम करना पड़ता है। कैसे? काम जो है सबका बढ़ जाएगा तो आपके हिस्से में जो है थोड़ा सा काम रहेगा, तो ये भी एक फायदा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है कुछ नुकसान भी है समूह में रहने का। कौन सा नुकसान है बच्चों? साथ में रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? सबका विचार अलग अलग होगा, तो अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो वहां पर लड़ाई हो सकती है। वैसे नहीं होगा, शायद हो भी सकती है। दूसरा कौन सा बात है? देखो बच्चों, नुकसान
साथ रहने से जो है व्यर्थ की बातें करने में समय नष्ट होता है। हम जो है क्या करते हैं, समूह में रहेंगे, एक दूसरे से हम बातें ही बातें करते रहेंगे और हमारा पूरा समय निकल जाता है। कब सुबह से शाम हो गया हमें पता ही नहीं चलता। तो ये है बच्चों समूह में रहने के फायदे और नुकसान। आशा है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बच्चों अब आप इसके बाद हाथियों के एक छोटा सा फनी वीडियो देखिए और इसका आनंद उठाएं। हाथी आया सूंड हिलाता, हाथी आया चलता फिरता, हाथी आया झूम झूम कर, हाथी आया कान हिलाता, हाथी आया। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ बहुत मजा आया होगा। बच्चों अब हम इसके बाद पारिवारिक संबंध क्या है, पारिवारिक संबंध क्या है मतलब परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका जो है रिश्ता भी अलग अलग होता है। जैसे तो हम इन्हें क्या क्या कहेंगे, जैसे हम क्या बोलेंगे, माँ की माँ। जैसे आपकी मम्मी की मम्मी को आप क्या कहेंगे, वो उनका रिश्ता आपके साथ क्या है, वो आपकी नानी कहेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, नानी। इसके बाद पापा की माँ, अगर आपके पापा की माँ है और आपके साथ रहते हैं आप उनको क्या कहते हैं, दादी, आप उन्हें क्या कहेंगे, दादी। पापा की बहन आप उन्हें क्या बोलेंगे, बुआ। पापा की बहन को हम क्या बोलते हैं, बुआ। माँ के पापा मतलब मम्मी के जो पापा होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, नाना जी, हम उन्हें क्या बोलेंगे, नाना। पापा के पापा मतलब आपके पिताजी के पिताजी को आप क्या बोलेंगे, दादा, आप क्या बोलेंगे, दादा। इसके बाद मम्मी की बहन यानी माँ की बहन को आप क्या बोलेंगे, मौसी, क्या बोलेंगे, मौसी। पापा के भाई जो छोटे भाई होते हैं, पापा के छोटे भाई को हम क्या बोलेंगे, चाचा। तो ये है हमारे पारिवारिक संबंध। बच्चों अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। समझ आया ना? तो अब मैं आपसे अंत में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप लोग इसका उत्तर जरूर लिखना। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नंदू कौन था? पहले ही मैंने पढ़ाया था ना, नंदू कौन था? मैं ही उत्तर बता देती हूँ लेकिन आपको लिखना है। नंदू जो है एक छोटा सा प्यारा सा हाथी का बच्चा था। दूसरा प्रश्न है, माँ की माँ को हम क्या कहेंगे, माँ की माँ को हम क्या कहेंगे, माँ की माँ को हम नानी कहेंगे, क्या कहेंगे, नानी। तीसरा प्रश्न है, नंदू को क्या करना अच्छा लगता है, नंदू को क्या करना अच्छा लगता है, नंदू को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम बाद में मिलेंगे। नमस्कार।